कानून अपनी जगह पर है, कोई राज्य कुछ चाहता है वो अपनी जगह से जो भी करना चाहे उनका अपना अधिकार है। कोई भी करते हैं कहते हैं तो उसे हमारा क्या मतलब, हम लोग तो अपना काम बता सकते हैं। पति पत्नी में पत्नियां पढ़ी होंगी तो अपने आप प्रजनन दर घटेगा, तो हम लोग उसी पर चल ही रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। बिहार में जिस तरह से विपक्ष पार्टियां हो या जेडीयू हो लगातार यह मांग कर रही है कि जल्द से जल्द जो जाति जनगणना है वो होना चाहिए, ऐसे में आपको बता दें कि कल बीजेपी के नेताओं के द्वारा यह कहा गया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पहले लाना चाहिए, उसके बाद ही जाति जनगणना को लेकर बात करनी चाहिए। इसको लेकर जब आज हमने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। कानून अपनी जगह पर है, कोई राज्य कुछ चाहता है वो अपनी जगह से जो भी करना चाहे उनका अपना अधिकार है, लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग बिहार इसको देखते हुए जनसंख्या के नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए जो बिहार में कितना ज्यादा था तो उसको देखते हुए शुरू से ही हम लोगों ने इसका जो आकलन किया, अध्ययन किया और नतीजा आया कि अगर पति पत्नी में पत्नियां पढ़ी होंगी तो अपने आप प्रजनन दर घटेगा, तो हम लोग उसी पर चल ही रहे हैं। हमारा 4 से भी ज्यादा था और आपको मालूम है कि यही काम कर रहे हैं, हम लोग 3 पर पहुंच गए। अगले आप समझ लीजिए कि 5-7 साल के अंदर 2 पर हम लोग पहुंच जाएंगे अगर ये रहेगा तो। इसकी बात है। अब बाकी तो चलिए, कोई भी करते हैं कहते हैं तो उसे हमारा क्या मतलब, हम लोग तो अपना काम बता सकते हैं। एक सवाल है, ऑपोजिशन के बड़े बड़े नेता दिल्ली में मिल रहे हैं 2024 की तैयारी जिसमें जाने न दीजिए उससे हमारा क्या मतलब। तो आपने साफ तौर पर सुना, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बयान दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से लगातार विपक्ष हो या जेडीयू हो लगातार या केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि जाति जनगणना होना चाहिए, तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं या नहीं। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। कानून अपनी जगह पर है, कोई राज्य कुछ चाहता है वो अपनी जगह से जो भी करना चाहे उनका अपना अधिकार है। कोई भी करते हैं कहते हैं तो उसे हमारा क्या मतलब, हम लोग तो अपना काम बता सकते हैं। पति पत्नी में पत्नियां पढ़ी होंगी तो अपने आप प्रजनन दर घटेगा, तो हम लोग उसी पर चल ही रहे हैं। कानून अपनी जगह पर है, कोई राज्य कुछ चाहता है वो अपनी जगह से जो भी करना चाहे उनका अपना अधिकार है। कोई भी करते हैं कहते हैं तो उसे हमारा क्या मतलब, हम लोग तो अपना काम बता सकते हैं। पति पत्नी में पत्नियां पढ़ी होंगी तो अपने आप प्रजनन दर घटेगा, तो हम लोग उसी पर चल ही रहे हैं।